घर की साइड जा रहे हैं, जो लाठी चार्ज हुआ हिसार में उसके कारण। सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के राम राम। भाइयों, आप सबने पता लग गया होगा हिसार में किस तरीके से जब किसान सीएम खट्टर का विरोध कर रहे थे तो किसानों के ऊपर बड़े बर्बरतापूर्ण तरीके से, निर्दयी तरीके से लाठी चार्ज किया गया, जिसमें हमारे बहुत सारे किसान भाइयों के सिर टूट गए, हमारी माताओं बहना के भी चोट लगी, हमारे बुजुर्गों के भी चोट लगी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अभी भी हमारे बहुत सारे किसान भाई गिरफ्तार कर रखे हैं। तो भी जो सारे सीनियर किसान नेता यहाँ मयूर टोल पर पहुंचे, उन्होंने तय कराया है, अभी वो फैसला लिया है कि तुरंत प्रभाव से 2 घंटे के लिए हरियाणा में सारे रोड जाम कर दिए जाएं, लोकल रोडों को छोड़ के बाकी सभी रोड जाम कर दिए जाएं। और जो यहाँ मयूर टोल पर किसान भाई मौजूद हैं, ये सारे भी इकट्ठे होकर आईजी का घेराव करेंगे, आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे और सबसे आगे किसान नेता होंगे, ताकि जो पहली लाठी पड़ेगी वो हमारे ऊपर पड़ेगी, उसके बाद हमारे किसान भाइयों कुछ होगा तो पहला किसान नेता होंगे, उसके बाद हमारे सारे किसान भाई होंगे। तो मेरी खास निवेदन है, खास विनती है, हिसार के आसपास के जितने भी किसान भाई हैं, जिन जिन गाँव में हैं, जिनकी रगों में किसान का खून है, वो सारे के सारे अधिक से अधिक संख्या में आईजी के घेराव के कार्यक्रम में शामिल हों। यदि आप 20 से 25 मिनट में आ सकते हो तो मयूर टोल पर आ जाओ, अदरवाइज आप सीधे आईजी ऑफिस से घेराव के वहां पर उसमें शामिल हो। सब भाइयों तो विनती है, हम सारे शांतिपूर्ण भी रहेंगे। और आगे यो भी तय किया गया है, यदि प्रशासन की कुंभकर्णी रूपी नींद नहीं खुली तो कल सुबह 11 बजे हरियाणा में सभी थानों का जबरदस्त तरीके से किसान भाई सारे घेराव करेंगे। तो आपसे यही निवेदन है, सारे के सारे भाई इस कार्यक्रम में जोर शोर तरीके से करो और शांतिपूर्ण तरीके से करो। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, खट्टर सरकार जिंदाबाद, खट्टर सरकार जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद।